नमो बुद्धाय। भुजगवान चंद्रपुर भंते ज्ञान ज्योति महाथेरो जी, जो हर साल मध्यम कठिन चिवरदान उपोषद वर्षावास के उपोषद समापन के अवसर पर आयोजित करते हैं, आज हम कठिन चिवरदान के अद्भुत पुण्य के बारे में जानेंगे। कठिन चिवरदान के अद्भुत पुण्य विपाक के बारे में नागित स्थविर का चरित उपादान। हमारे भगवान बुद्ध श्रावस्थी में जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, तब नागित नाम का युवक अपने आते समय अपने पूर्व जन्म में कठिन चिवरदान करने के पुण्यानुभव से मिले रिश्तेदार मित्रों के साथ भगवान बुद्ध के पास आए, आकर भगवान की वंदना की, उपादांत संदर्भ श्रवण किया और अवबोधपूर्ण शरण ग्रहण कर भगवान को प्रवर्जा की याचना की। भगवान ने उन्हें भिक्षुओं आओ यही भिक्कवे कहने से मिलने वाली प्रवर्जा प्राप्त हुए। वे कम समय में ही दान पटिशन भी दावों के साथ अर्हत्व के फल को प्राप्त हुए। बाद में कभी भगवान बुद्ध ने नागित स्थविर के उन्हीं विशेष कुशल कर्मों के द्वारा प्रकट करने की इच्छा से वहां वर्षावास अधिष्ठान कर अंतिम में वर्षावास पवारना होने के बाद भगवान ने आनंद भंते को बुलाते हुए कहा, आनंद, आज अनोतत्व सरोवर के किनारे रहने वाले आए यही भिक्कवे भाव से प्रवर्जित हुए। 500 अरहंत भिक्कुओं को एकत्रित करो। आनंद भंते जी ने वैसा ही किया। उन अनोतत्व सरोवर किनारे रहने वाले आए भिक्षुओं का शरीर काषाय वस्त्र चिवर से प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। तब भगवान के आजू बाजू में बैठे भिक्षु संघ की ओर देखते हुए भगवान ने ऐसा कहा, भिक्षु, तुम लोगों में से किसी ने अपने पूर्व जन्मों में तथागत बुद्ध की, प्रत्येक बुद्ध की या अरहंत को उद्देश्य कर किए विशेष कर्म हो तो तुम यहाँ प्रकट करो। यह सुनने के बाद उस संघ परिषद में बैठे नागित अरहंत स्थविर ने हाथ जोड़कर सिर पर अंजलि रख वंदना करते हुए अपने द्वारा किए विशेष पुण्य कर्मों को बताने के लिए भगवान को ऐसा कहा, भंते भगवान, मैंने आज से 91 कल्प पूर्व काल में भगवान विपस्सी सम्यक संबुद्ध के शासन काल में मैं गृहपति कुल में जन्मा था। मैंने तब गरीब भिखारी याचकों के विशेष रूप से दान देकर पुण्य किया था। महीने की कृष्ण अष्टमी, शुक्ल अष्टमी, पूर्णमास और अमावस्या के दिन अष्टशील ग्रहण कर आर्य उपोषद पालन किया और साथ ही जब भिक्षु लोग वर्षावास अधिष्ठान करते हैं उस प्रतिहार्य विशेष पक्ष के अवसर पर 3 महीने अष्टशील अधिष्ठान के साथ ग्रहण कर आर्य उपोषद का पालन किया। ऐसे 3 महीने तक अष्टशील पालन किया। ऐसा नहीं हुआ तो पवारना में बाद 15 दिन तक अष्टशील पालन किया। एक दिन बंधुमती नगर में राजा सहित अन्य लोगों को भगवान विपस्सी बुद्ध द्वारा उपदेश दिए जाने पर श्रद्धावान होकर बुद्ध प्रमुख विपस्सी बुद्ध द्वारा उपदेश दिए जाने पर श्रद्धावान होकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वर्षावास अधिष्ठान करने के लिए याचना की। उस वर्षावास काल में उनकी 4 प्रत्ययों चीवर भोजन दवाइयाँ
आश्रम से 4 महीने तक पूजा की, उनकी सेवा की। अंतिम पवारना के समय में वर्षावास अधिष्ठान किए, भिक्षुओं को कठिन चिवर दान किया। उस कठिन चिवर दान के पुण्यानुभाव से संपूर्ण आश्रम क्लेश नष्ट कर निर्वाण पाने की प्रार्थना की। उस समय से कठिन चिवर दान के पुण्यानुभाव से 4 अपाय नामक दुर्गति नामक नरक लोक में जाने से मुक्त हो। मैंने देवता लोक में और मनुष्य लोक में ही जन्म लेते हुए सुख संपत्ति का अनुभव किया। उसे गाथा में ऐसे प्रकट किया है, कठिन दान दत्वान संघे गुण वरुत्तमे इतोतिस्से महाकप्पे नामी जानामी दुगत्ति। मैंने कठिन चिवर दान देकर गुणों में सर्वश्रेष्ठ संघ की पूजा के उस पुण्य से यहाँ 3 महाकप्पों तक दुर्गति में गया हूँ, ऐसा मैं कहीं नहीं देखता। अद्वारसन्न कप्पान देवलोके रमामह चतुत्त सखंतु देविदो देवरज्यमकारथी। अद्वार कल्पकाल तक मैं देवता लोक में जन्म लेकर सम्मान हुआ हूँ। 34 बार देवताओं का राजा देवेंद्र शक्र होकर देवलोक में राज्य किया। आगे नागिस्थवीर कहते हैं, कठिन चिवर सिलाई करते समय एक बार सुई में धागा बुनते हुए किए पुण्य 36 बार चक्रवर्ती राजा बनाने में सक्षम था, लेकिन मैं 84,000 बार चक्रवर्ती राजा बने, उससे अधिक बार बनने से पहले मैं अरहंत बना। मैं जहाँ जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ भोग संपदा को प्राप्त कर पुरुषों में उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। यह कठिन चिवर दान का ही फल था। मैं केवल 2 भवलोक में उत्पन्न हुआ, देवता तथा मनुष्य। मैं कठिन चिवर दान के पुण्य फल से मेरी अन्य गति हुई ऐसा मैं नहीं देखता। मैं क्षत्रिय तथा ब्राह्मण इन उच्च कुलों में जन्मा या नीच कुल में उत्पन्न होने की बात की मैं नहीं देखता। यह कठिन चिवर दान देने के पुण्य का ही फल था। 4 महासमुद्र से घिरी महापृथ्वी का पर्वत सहित भूमि को खोम नामक किम ही खेत वस्त्र से आच्छादित करने की क्षमता रखने योग्य महाधनवंत हुआ था। वह इसी कठिन चिवर दान के पुण्य फल के स्वरूप ही प्राप्त हुआ था। अहो बुद्ध, अहो धम्म, अहो संघ की गुण संपदा, उनको अल्प मात्र दान देने से भी विपुल मात्र में सुख संपदा रूपी फल मिलता है। उसी पुण्य कर्मों के कारण मैं सभी देवता मनुष्यों को प्रिय लगने वाला हूँ। उन्हीं भद्र कर्मों के करने के कारण मैंने अमृत रूपी निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार अरहंत नागिस्थवीर ने अपने पूर्व पुण्य कर्मों के विशेष फलों की घोषणा की। आप लोग भी कठिन चिवर दान के पुण्य फल के बारे में मन प्रसन्न करके कठिन चिवर दान करने या उसमें भागीदार बनिए। संदर्भ नागित अपादान कथा, कठिन वंश, पुस्तक हिंदी, अनुवादक बंते गुणानंद अभिभू। गुणानंद अभिभू बंते जी को विशेष पुण्यानुमोदन करता हूँ, जिन्होंने ये कथा हिंदी भाषा में अनुवाद की है। इस वीडियो को देख सुनकर मन में पुण्य भाव जागृत कर अगले साल आने वाले वर्षावास के समापन में 3 महीने उपोषित कर इस चिवरदान का लाभ उठाए। यही आप सभी के प्रति मंगल कामना।
इसी तरह आप भी मेरे प्रति मंगल कामना करें, ताकि मैं भी अगले साल संपूर्ण उपोषित कर इस मध्यम कठिन चिवरदान का लाभ उठा सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस पुण्य का लाभ उठा सकेंगे। भूतैर्या भूतैर्या धातुया धर्मपर्यन्त कारयन्त।